एज फार एज आई नो अभिषेक, मुझे नहीं लगता कि वो कभी भी ऐसा कुछ कर सकता। सो गाइज, मनीषा रानी ने नेगेटिव पीआर को लेकर फुकरा इंसान को सपोर्ट किया, और गाइज एलविस यादव के लिए भी कुछ बुरा नहीं बोला है, जो कुछ भी बोला है अच्छा बोला, लेकिन मनीषा रानी ने क्या बोला है चलिए सबसे पहले मैं आप सभी को दिखाता हूँ। उससे पहले प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एज फार एज आई नो अभिषेक, मुझे नहीं लगता कि वो कभी भी ऐसा कुछ कर सकता। अभिषेक बिल्कुल ये कभी हो ही नहीं सकता कि अभिषेक ये सब करे। नहीं, हमारी उस टॉपिक पे बात नहीं हुई क्योंकि मुझे सच में इतना ज़्यादा इसके बारे में पता नहीं था। हम शूट करने गए थे बट ऐसा उस टॉपिक पे ज़्यादा कुछ बात नहीं हुआ। कई लोगों ने आपको बिग बॉस के अंदर बोला था कि आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप बैक टू बैक सॉन्ग कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहेंगे, मुंह तोड़ जवाब की बात नहीं है, मेरे पे डिपेंड करता है कि हम जितना अच्छा काम कर रहे हैं। मुझे किसी को दिखाने के लिए नहीं करना है, मुझे अपने आप के लिए करना है, और जो ऑडियंस मुझे, जो मेरे फैंस इतना मुझे प्यार करते हैं, उनको दिखाना है कि आप लोग जो मुझे इतना प्यार दिए तो हम और अच्छा करें, मेहनत करें, और बस यही। हमारी दोस्ती बहुत अच्छी और हमेशा रहेगी। ऑल राइट गाइज, होप कि आप सभी ने यहाँ तक देख लिया, और आप सभी को क्या लग रहा है, क्या मनीषा रानी सही बोल रही है? गाइज आप सभी अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर से देकर जाना। सो गाइज आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं न्यू नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।